सबसे पहली चीज, इस चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहली चीज एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि कितने किस्म की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब देखो डेढ़ महीना हो गया, वहाँ भी वर्क पर एनर्जी के अंदर लेके बैठ गए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, चलो बड़ी मुश्किल से वो हमने चैप्टर निकाल लिया MGH करके, फिर वहीं पर आ गए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अब मानोगे नहीं, पूरी फिजिक्स में दो ही चीज़ें हैं, एक फोर्स और एक एनर्जी, बस। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, बॉडी घूम जाएगी तो उसमें टॉर्क लग जाएगा, बस। ये तीन चीज़ों के ऊपर पूरी फिजिक्स ही टिकी हुई है, इसलिए बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन तक फाउंडेशन कोर्स है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बीच में कैसे आई, और फिर उस MGH का क्या मतलब था जो हमने MGH किया था, तो कोई बता सकता है कि MGH क्या चीज थी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर आज क्या करेंगे? हाइट पे। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है वो, जितनी भी प्रॉब्लम थी वर्क पार तक रोटेशनल तक, उसमें हाइट ही 10-15 मीटर है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, चलो 100 मीटर, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं था। तुमने जितने न्यूमेरिकल किए वो छोटी हाइट पे किए, तुम्हारा स्मॉल जी चेंज ही नहीं होता था। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन 5000 किलोमीटर पे, तब तक तो जी चेंज हो जाएगा, तो फिर एनर्जी क्या लगाओगे? MGH, क्योंकि घड़ी घड़ी एनर्जी क्या होती रहेगी? चेंज। तो फिर आपका वो फॉर्मूला फेल है, वो छोटी हाइट के लिए ही चल पाएगा, बड़ी हाइट में नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, क्योंकि वो एक्चुअल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है ही नहीं, वो है ही नहीं एक्चुअल में। मैं बताता हूँ फिर वो क्या है, और आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ वो भी सुन लो। ये चैप्टर लेकिन स्टार्ट वहाँ से नहीं है, ये चैप्टर स्टार्ट है, हमने फोर्स तो कर लिया GM1 M2 by R square, ये चैप्टर स्टार्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, जिसका सिंबल है E वेक्टर। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी एक ही बात है, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं है। तो किसने पूछा ये क्या नई आइटम आ गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये क्या चीज़ है और ये E वेक्टर है क्या चीज़? देखो पहले एक पॉइंट को समझो, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो आपको अर्थ खींच लेगी, और अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गए तो अर्थ आपको खींच नहीं पाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, हम बोलते नहीं वो सामने फील्ड दिख रहे हैं, फील्ड तो जगह है, फील्ड तो जगह है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के आसपास वो जगह है, स्पेस है, जहां पर अर्थ आपको खींच सकती है। अगर आपने उस जगह को क्रॉस कर दिया, अर्थ आपको खींच नहीं पाएगी, तो हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, आपने फील्ड को क्रॉस कर लिया। पॉइंट नंबर वन क्लियर। अब प्रॉब्लम यह है कि अर्थ के जितनी करीब हो वो अट्रैक्टिव फोर्स उतनी स्ट्रांग लगेगी, क्योंकि GM1 M2 बाई आर स्क्वायर में आर छोटा है, फोर्स स्ट्रांग लगेगी। अगर आप अर्थ के बहुत करीब हो, हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और अगर या ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, वर्ड करेक्ट जो है वो स्ट्रेंथ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बहुत किलोमीटर ऊपर जाते जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कम होती जाती है, और एक पॉइंट के ऊपर जब आप क्रॉस कर जाते हो तो क्या हो जाती है? जीरो। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं कि अर्थ का फील्ड की स्ट्रेंथ कहीं पर ज्यादा है और ऊपर जाते जाते वो स्ट्रेंथ कमजोर है, उसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। सिंबल इसका क्या है? E-वेक्टर। E-वेक्टर की वैल्यू या E-वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं ये सुन लो। E-वेक्टर की ये डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, अगर ये आपके पास अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है m, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सामने इसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता लगे तो मैं एक नई मुसीबत लेके खड़े हो गए कि ये फील्ड लगा रहा है और ये मास भी फील्ड लगा रहा है, मैं किसका फील्ड समझाऊंगा, अर्थ का समझाऊंगा कि इस मास का समझाऊंगा? तो इसलिए अर्थ के सामने सारे ऑब्जेक्ट को छोटा माना जाता है ताकि हम अर्थ के फील्ड को स्टडी कर सकें। तो ये आपका अर्थ का फील्ड है, अर्थ के फील्ड के अंदर बात हो रही है, तो ये मान लो अर्थ का फील्ड यहाँ तक है, इसके बाहर चले जाओगे तो अर्थ का फील्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि अर्थ इस मास को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। फोर्स लेफ्ट की तरफ होगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा?
अर्थ का मास पॉइंट मास डिवाइडेड बाय अर्थ स्क्वायर, डन। और ये फॉर्मूला न्यूटन का फॉर्मूला अर्थ के लिए चलता है, बाकी बॉडी के लिए नहीं चलता। वैसे पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, पर अर्थ और पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल रहता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फोर्स है, पर मुझे इस पॉइंट पर फोर्स नहीं निकालनी, मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। फील्ड का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, फील्ड का फॉर्मूला है जो भी इस पॉइंट पर फोर्स है उसको इस पॉइंट पे पड़े हुए मास से डिवाइड कर दो। पॉइंट मास से डिवाइड करना, अर्थ के मास से डिवाइड मत कर देना। तो ये डेफिनेशन है कि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड निकालना चाहते हो तो फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को स्मॉल एम से डिवाइड कर दो, आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। कैसे? आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, ई इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, फोर्स का फॉर्मूला जी बड़ा मास छोटा मास बाई आर स्क्वायर बाई छोटा मास, ये कट गया मास से मास और आंसर क्या आ गया, जी बड़ा मास बाय आर स्क्वायर, ये मेरे पास ई की वैल्यू आ गई। कैसे? हाँ बता रहा हूँ, पहले ये पॉइंट क्लियर, स्मॉल जी नहीं है। स्मॉल जी क्यों नहीं है? क्योंकि छोटा आर है ना, बड़ा आर नहीं है, सरफेस के ऊपर स्मॉल जी बन जाएगा, सेंटर से बहुत दूर है, ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। हाँ स्मॉल जी बोल सकते हो, ओके डन, स्मॉल जी डैश। तो लेकिन उसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो बाई चांस उसकी देखने में फॉर्मूला सेम है लेकिन मतलब कुछ और है। तो अब ध्यान से देखना एक बार प्लीज, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जहां पर आपको ई निकालना है वहां पर जो भी पॉइंट मास है उस पर प्लैनेट जो भी फोर्स लगाएगा उस फोर्स को पॉइंट मास से डिवाइड कर दो, पॉइंट मास कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कौन लगाता है? प्लैनेट लगाता है, क्योंकि मास किसका आ रहा है? प्लैनेट लगा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहां पर पॉइंट मास की वैल्यू क्या रखी, 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली फॉर्मूले में कॉन्ट्रीब्यूट करता ही नहीं। तो प्लैनेट कितना ई लगा रहा है? प्लैनेट इतना ई लगा रहा है, बता रहा हूं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब ई वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वो इसलिए वेक्टर है क्योंकि ई का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय मास। अब फोर्स तो वेक्टर है, ई भी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में ई वेक्टर है। तो अगर ये अर्थ ने फोर्स यहां लगाई इसको खींचने के लिए तो ई वेक्टर की डायरेक्शन भी यही बनेगी। बस समझो फोर्स की वेक्टर निकाल लिया या ई वेक्टर निकाल लिया, बात एक ही है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, लेकिन स्टूडेंट को ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा इसलिए नहीं लगता, वो कहता यार ये कमाल है, पहले मास लो फिर मास को काट दो, फिर कहो देखो मास चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मास लेते क्यों है? तो फिर मेथड टू कर लो। मेथड टू क्या है? मेथड टू ये कहता है कि अगर आपके पास फिर से अर्थ है, मास एम है, स्मॉल आर है, और तुम यहाँ पे ई निकालना चाहते हो और ये मास स्मॉल एम है, तो ई का फॉर्मूला फोर्स बाय स्मॉल एम है। तुम एक काम करो, तुम ये बताओ कि अर्थ ने इस पॉइंट मास को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इतनी फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो पॉइंट मास एम छोटा एम को कितनी फोर्स लगी, इतनी फोर्स लगी। तो अगर यूनिट मास है, यूनिट वन मास है, तो वन मास अगर होता तो कितनी फोर्स लगती, इसको मास से क्या कर दिया, डिवाइड। तो यही हो रहा है ना बेसिकली, तो फोर्स अपॉन मास। तो एक डेफिनेशन बना दी, ई की डेफिनेशन है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। यूनिट मास क्यों? क्योंकि ये एम मास की फोर्स है, वन मास के लिए एम को डिवाइड कर दिया, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास भी ई है। लेकिन कुछ लोगों कहते हैं यार ये करने की फिर जरूरत नहीं है, पहले एम लो फिर काट दो। तो फिर सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ और काफी बुक्स भी यही करती हैं, वो इस एम के चक्कर में पड़ती नहीं है, वो कहती हैं बस एक काम करो मुझे ये बताओ कि अर्थ कहां पर है। मैंने कहा जी ये अर्थ है, वो कहते स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ई निकाल लें, बिल्कुल। वो कहती है यहां पर मास लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली तुमने मास को काटना ही है, तो पहले लो फिर काटो, रखो ही मत, बस ये अज्यूम कर लो यहां पर कितना मास पड़ा हुआ है, यूनिट मास, बस। चलो वो भी आपके लिए बता दिया कि यहां पर मास पड़ा हुआ है, वैसे इसकी भी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई लगा कौन रहा है, वो प्लैनेट लगा रहा है। तो सीधा फॉर्मूला नोट कर लो, ई का फॉर्मूला जी कैपिटल एम इंटू वन अपॉन आर का स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला है, आपको स्मॉल एम को का रोल इसमें चाहिए ही नहीं। तुम्हें स्मॉल एम करना क्या है? जहां पे ई निकालना है, मैं तो कहता हूं वहां अगर 5-10 किलो का मास पड़ा भी हुआ उसको भी फेंक दो उठा के, चाहिए नहीं है, उसकी जगह रिप्लेस कर दो, मान मास है, आपका आंसर गलती नहीं होगा। आप अननेसेसरी यहां पर मास लोगे फिर काटोगे, जरूरत क्या है? तो मैं
जहां जहां ई निकालूंगा, इवन यही नहीं प्लस टू के अंदर भी यही है, वो कहते हैं जी ई निकालो चार्ज पार्टिकल की वजह से, जहां ई निकालना है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ऐसे ही यहां पर यूनिट पॉजिटिव मास ले लेते हैं, यूनिट मास ले लेते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ई का फॉर्मूला सबको क्लियर है, ई कैसे निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ई की कैलकुलेशन में पॉइंट मास का मास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ई में सिर्फ प्लैनेट का मास ही ई लगाता है, क्योंकि प्लैनेट लगा रहा है फील्ड, रॉकेट उड़ रहा है वो तो ना फील्ड लगा रहा है, रॉकेट तो अर्थ के फील्ड में उड़ रहा है, तो फील्ड स्ट्रेंथ में प्लैनेट का मास आएगा और कोई मास नहीं आएगा। बोलो, उसका ई निकालने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया आपने, अभी पॉइंट मास लेके कर रहे हैं। अगर बड़े मासेज हैं तो देखो इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी ना, उसका तो तरीका ही क्या है, फिर तो हर जगह टोटल फोर्स नेट फोर्स मून पे निकलेगी, निकल जाएगी, मैं निकाल दूंगा, बस पॉइंट मास। अभी आज का लेक्चर पॉइंट मास, वो बड़े मासेज वाला काम अगले लेक्चर में स्टार्ट है। अगर मासेज पॉइंट मास नहीं है तो फिर हम पहले फोर्स पे लगाएंगे फिर फील्ड पे लगाएंगे, ऐसे है, पहले पॉइंट मास का सीक्वेंस है फिर नॉन पॉइंट मास का सीक्वेंस है, ऐसे। तो आज बड़ी बॉडीज की बात ना करें, बस पॉइंट मास है। क्लियर है पहले तो, ई का फॉर्मूला सबको क्लियर है, ई के यूनिट्स बोलो क्या होंगे, ई होता क्या है, फोर्स बाय मास, तो न्यूटन पर केजी, न्यूटन मत लगा देना, न्यूटन पर केजी है ई का फॉर्मूला। तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो आप चेक कर सकते हो, मैंने लिखा हुआ है आपके बुकलेट में ई का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन मास, क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। दूसरा, अगर आपको इस प्लैनेट की वजह से यहां पे ई निकालना है तो फोर्स को एम से डिवाइड करके मैंने बता दिया था जी एम बाई आर स्क्वायर, पहला मेथड, और दूसरे मेथड में क्या बताया, यहां पर मास लो ही मत, ये प्लैनेट यहां पर कितना ई लगा रहा है, बस सिंपल बोल दो फोर्स ऑन यूनिट मास, मान लो यहां पर मास वन है तो एम मास यूनिट मास पे क्या फोर्स लगाएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर, और इसके यूनिट्स मैंने बता दिए न्यूटन पर केजी। तो डेफिनेशन क्लियर है ई की, अब लगेगा कैसे इसको एक बार देखते हैं।